हमने किसानों की हर जल जंगल जमीन की रक्षा करने हेतु देश में पानी का धंधा बंद हो, क्योंकि जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन सभी जीवों का मूलभूत अधिकार है। झारखंड के नेतरहाट में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका कोई क्लासरूम नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा जंगल हमारा फिल्म इंस्टीट्यूट है। गांव देहात का घर हमारे संसाधन है, जो भी वहाँ पे सरकारी कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संसाधन हैं। और फिर हम एक के बाद एक 22 फिल्में हम लोगों ने जल जंगल जमीन विषय पे बनाए। हमको संतुलन देखना होगा, पर्यावरण जल जंगल जमीन में संतुलन इसलिए देखना होगा क्योंकि हम मानव जाति की बात कर रहे हैं। मानव जाति खुश तब होगा जब सब कुछ होगा। अभी तो हम किसको बचा के रखे हैं, हम अपने लालच के लिए सिर्फ गाय बैल और कुत्ता। समाज के इर्द गिर्द जो चीज़ दिखता है ये दो ही जीव है ना, बाकी सारे जीव जंतुओं को हम मार दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में। और आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जिसकी हम सभी को जरूरत है, जल जंगल और जमीन। ये ऐसी महत्वपूर्ण मूलभूत सौगातें हैं जिन्हें यदि आज संरक्षित नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को कई गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसी मिशन को लेकर, इसी ध्येय को लेकर देश भर में पैदल यात्रा करने निकले हैं फिल्म निर्देशक श्री राम डाल्टन जी। आज टैलेंटेड इंडिया के स्टूडियो में उनसे हम चर्चा करेंगे उनके इस मिशन के बारे में, और साथ ही साथ समाज में जागरूकता का जो अभियान वे चला रहे हैं, किस तरह से पूरे देश से प्रतिसाद उन्हें मिल रहा है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत गंभीर विषय है सर, जल जंगल जमीन। आजकल लोग बातें करते हैं लेकिन इनके प्रति कार्यों की जो रुचि है कहीं ना कहीं कम हुई। किस तरह का ध्येय लेकर आप निकले हैं देश भर में, और क्या उद्देश्य है इस मिशन का? इसका मुख्य उद्देश्य है फ्री वाटर इंडिया। तीन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत कॉन्शियसली, फ्री वाटर इंडिया। इस देश में पानी का धंधा बंद हो, क्योंकि जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन सभी जीवों का मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार है, और समाज में किसी को अंदाजा नहीं है कि ये हमारा है। ये अधिकार हमको संविधान देता है, ये अधिकार हमको प्रकृति देती है। सर, झारखंड से आप आते हैं और पूरे देश भर में 2000 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करने का एक लक्ष्य है आपका। किस तरह की चुनौतियां आई और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनसे किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली? नासिक में आकर के एक लंबा पड़ाव लिया मैंने, 15 दिन वहां बिताया। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी संस्थाओं से, जो पानी के विषय पे, पर्यावरण के विषय पे, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी जगह पे जल जंगल जमीन विषय पे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन पानी बचाना, पेड़ लगाना, इस बात को लेकर के लोग, मतलब 2% लोग, मुश्किल से 2% लोग इसको लेकर के जागरूक हैं। लेकिन मूलभूत अधिकारों के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, ये मैंने देखा। बात कहने पे सबको समझ में आती है, जैसे ही आप बात कहें कि जल जंगल जमीन हमारा मूलभूत अधिकार है, पानी फ्री, मतलब पानी
का धंधा नहीं होना चाहिए। सब बोलते हैं हाँ हाँ नहीं होना चाहिए। जल जंगल जमीन हमारा मूलभूत अधिकार है, बराबर बराबर सब बोलते हैं। ये एक शब्द है, लोगों ने इस्तेमाल करना सीख लिया है। जहां बात उनको अच्छी लगती है उसके लिए वो कहते हैं बराबर। हाँ, लेकिन इस देश में ये खाई है, बिल्कुल ये खाई है। जिसके पास है सब है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं है। हाँ, और लोग कहते हैं बराबर। तो बात लोगों को सबके समझ में आ रही है। बहुत लोग घबरा जा रहे हैं, जिनके पास ढेर सारी सुविधाएं हैं, ढेर सारे संसाधन हैं, संसाधनों पे जिनका कब्जा है, कंट्रोल है, और तरीका वो लीगल ही है, कानूनी तौर तरीके से ही उनके पास है सब कुछ, उनको ये बात थोड़ी नागवार गुजरती है कि अरे मतलब कैसे हो सकता है। बात समझ में तो आ रही है कि भाई हाँ, जल जंगल जमीन पे सबका अधिकार है, लेकिन ये हो कैसे उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। लोगों की मान्यताएं ऐसी हैं कि नहीं नहीं ये पिछले जन्म का मामला है। हाँ, पिछले जन्म में कुछ किया है इसलिए उनको ज्यादा मिला है, और जिन लोगों को नहीं मिला है उनका भी कारण पिछले जन्म पे लेकर के जाते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो सर, ये जो पूरा अभियान है, जल और जंगल और जमीन की हम बात करते हैं, वन संपदाओं का क्षेत्र रहा है, राज्य रहा है झारखंड, मध्य प्रदेश भी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य रहा है, आज किस तरह की स्थितियां आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे देश में अभी हम लोगों के पास गूगल मैप है, सैटेलाइट मैप है, आप टॉप व्यू से आप देश के लैंडस्केप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको साफ साफ दिखता है कहाँ जंगल है, कहाँ जंगल नहीं है, मैपिंग की हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो 2-3% दिखता है जंगल। महाराष्ट्र से यहां तक आने के क्रम में पूरा महाराष्ट्र पार किया, एक जगह चले जा रहे हैं धूलिया से पहले ललिंग मिला, वहां पे लोगों ने बताया कि जंगल मिलेगा आपको, घना जंगल मिलेगा। मैं इंतजार करता रह गया, भरी गर्मी में निकला हूं, 15 मई को निकला हूं, वहां पहुंचा तो मतलब जंगल के नाम पे मतलब मुझे कुछ झाड़ियां दिखाई दी जिसको लोग जंगल कह रहे थे। खैर, धूलिया से आगे बढ़ा सतपुड़ा, चोपड़ा में सतपुड़ा पहुंचा, तो वहां जब नजदीक आया तो समझ में आया कि अच्छा, हम सतपुड़ा के जंगल के नजदीक पहुंच गए, तो मुझे लगा कि अच्छा अब यहाँ पे हरा भरा देखने को मिलेगा। जैसे ही चोपड़ा पहुंचे वहां पे लोगों ने सड़क पे रोकना शुरू कर दिया कि जरा अच्छा, जल जंगल जमीन पे आप काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर के आप सड़क पे उतरे हुए हैं, जरा ये ना बात कर रही, आई ना बैठी ना बात करनी है। पता चला कि पहली दफा महाराष्ट्र में वो एक जगह है जहां हमेशा पानी रहा है, और पहली दफा इस साल 15 दिन तक उनको पानी नहीं मिला है, कंटिन्यूसली 15 दिन तक उनको पानी नहीं मिला है, और इस घटना से वो लोग डर गए। जो समाज पानी विषय पे कभी चिंतित नहीं था वो समाज घबरा गया। उसके बाद जाकर के जंगल के अंदर पाल जानवे जो घने घने जंगल हैं उन हिस्सों में जाकर के मैंने देखा तो जंगल कटने शुरू हो गए हैं। जो मुट्ठी भर जंगल बचे हुए हैं वो जंगल कटने शुरू हो गए हैं। अभी जरा इस बात को समझना होगा कि महाराष्ट्र का जंगल या MP का जंगल या झारखंड का जंगल, हाँ, महाराष्ट्र पार करके यहां तक पहुंचे हैं, एक जंगल मुझे दिखा है, हाँ, एक जंगल दिखा है मुझे, उस पे बाद में आते हैं। पहले इस बात को ऐसे समझते हैं कि मैं कह रहा था कि सैटेलाइट पे हमको पूरा जंगल दिखता है, कहाँ कहाँ जंगल है वो दिखता है, बाकी जगह क्यों नहीं दिखता? क्या हम इस बात को इग्नोर करना चाहते हैं? क्या हम सोचना नहीं चाहते? क्या हम समझना नहीं चाहते कि जंगल मतलब क्या? अरे भाई, ये धरती सब, अगर आप धरती को छेड़छाड़ ना करें तो वो जंगल ही तो है। जंगल खत्म हो गए हैं भाई साहब, और जंगल खत्म हुए हैं और नदियां मर गई हैं, सूखी नहीं है, मर गई हैं। हाँ, अब भी मैं पूरे महाराष्ट्र में इधर वहां से जब भी बढ़ता हुआ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ हर जगह पे लोग फावड़ा, कुदाल, JCB और मशीन लेकर के नदियों में हल चला रहे हैं ऐसे ऐसे कि भविष्य में बारिश की पानी आए तो पानी बहुत देर तक नदी में ट्रैवल करता रहे, ऐसे ऐसे करके। सीधी नदी है,
लेकिन उसमें पूरी खुदाई चल रही है जेसीबी से, ऐसे ऐसे खुदाई चल रही है, उसी में गड्ढा कर रहे हैं कि बहुत नीचे तक नदी है जो पानी पिए और पानी पी करके मतलब अपने लेयर्स को भरे, हाँ अपने पोर को भरे, तब तो ऊपर सतह पे छल छलाएगी नदी। तो ये मशक्कत चल रहा है, नदियां नहीं है कहीं, एक नर्मदा और तापी, ये दो नदियां हैं और इसके सब रेत सब लोगों ने उठा लिए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग रोड सीमेंट ये वो करने के चक्कर में सारे रेत उठा लिए हैं, झाड़ियां उगाई हैं नदियों में जिसमें पानी नहीं है, रेत तो है ही नहीं, घास के मोटे मोटे लेयर आ गए हैं। सरकार की जो भूमिका है, जिस तरह से सरकार लगातार दावे करती है जंगलों को बचाने की, क्या मानते हैं आपके सरकार के दावों में कितनी सत्यता है और क्या काम हो रहा है सरकार? ये भाई बहुत सीधा तरीका है, वही तो कह रहा हूँ मैं, सैटेलाइट की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि अभी ये हमारे पास उपलब्ध है, हाँ टॉप व्यू देखने के हाँ साधन आपके पास हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए बारिश खत्म हो तब देखिए, बारिश में सब हरा हरा दिखेगा, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा, तो बारिश में देख करके जजमेंटल होने का नहीं समझना है। मैं 15 मई को निकला हूँ जानबूझ के, बहुत प्लान करके निकला हूँ कि मैं भयंकर गर्मी में मैं समझ पाऊं कि देश में चल क्या रहा है। तो मैं बता दूं कि 30 रुपए का डब्बा खरीद के हर गांव का किसान 30 रुपए का डब्बा खरीद के बैलगाड़ी पर रख के खेत में हल चला रहा है, इतना पानी पीता है। रास्ते में मैंने ये कल्चर देखा, ये हैबिट बहुत लंबे समय में बनता है। हमारे यहाँ पानी के लिए चले जाए तो इतना बड़ा ग्लास तो जग उठा के रख देंगे, बॉटल भर के रख देंगे, इस पूरे रास्ते में मैंने देखा कि लोग आधा ग्लास पानी देते हैं। क्यों? ये लंबे समय में ये प्रैक्टिस डेवलप हुआ है ना, बिल्कुल, मतलब अभी आपको मुफ्त में मिल रहा है पानी, अगर आप मतलब अतिथि हैं तो चलिए भाई हम अतिथि देव भव, हमारे यहाँ चलता रहा है, हम पानी पूछते रहे हैं तो लोग पानी देते रहे हैं, लेकिन पानी की मात्रा अभी कम होती जा रही है। किसान को आपने 30 रुपए का डब्बा पकड़ा दिया भाई साहब, दो रॉ हल लेकर के आने जाने में इतना पानी निकल जाता है, गर्मी में खेत में चल के देखिए, पैदल चल के देखिए, तुरंत समझ में आएगा, एक से दो रॉ आप कंप्लीट करेंगे और इतना पानी भप से बह जाता है पसीना, मतलब अनाज की जो कीमत नहीं है वो पानी की कीमत आप प्रैक्टिस डाल रहे हैं बच्चों में। आप बच्चों को ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अच्छा आपको पानी मतलब पानी पैसे में मिलता है, कौन है इस धरती पे जो पानी की कीमत तय करेगा, क्या नियत है उनकी, वो मूल्य कहाँ जा करके रुकने वाला है, अमूल्य चीज को वो पे वो मूल्य लगा रहे हैं, ये बहुत डरावनी बात नहीं है क्या? बिल्कुल, सिर्फ फिल्में शुरू से संदेश देती आई हैं समाज में, और आप जब से फिल्में बना रहे हैं बहुत सारी फिल्में इन तमाम सारे मुद्दों पर रही, फिल्मों का सफर कैसे चलता रहा जागरूकता के लिए और उनके माध्यम से किस तरह का संदेश देने की कोशिश रहती है आपकी? देखिए मैं फिल्म के लिए फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करके 2002 में मैं मुंबई गया, अशोक मेहता को उनकी बैंडिट क्वीन देखी थी मैंने, मैं बहुत प्रभावित हुआ था शेखर कपूर से भी और अशोक मेहता से भी, चूंकि फाइन आर्टिस्ट था तो मैं पहले सिनेमा का मेन माध्यम मुझे कैमरा दिखता था जी, तो मैं उनके पीछे एकदम उस समय ही 98 में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस आदमी से जाके मिलूंगा, कौन है ये आदमी। मैं गया जा करके, दो साल उनके पीछे मैं भागता रहा, दो साल बाद मतलब उम्मीद भी मैंने छोड़ दी थी कि मैं मिल पाऊंगा, जब फोन करता तो भाई 6 महीने बाद मिलो, 5 महीने बाद मिलो, या ढेर सारे लोग हैं अगली फिल्म जब करूंगा तब आओ। तब सुभाष घई की फिल्म किसना में मेरी एक भूमिका बनी, उनको एक जरूरत थी और मैं उस जरूरत को बहुत बढ़िया मजबूती से फुलफिल कर रहा था, तो सुभाष घई ने मुझे हायर किया और वहां पे अशोक मेहता से मैं मिला, और एक शेड्यूल निपटाने के बाद फिर मैं अशोक मेहता के साथ हो लिया, फिर मैंने पूरी फिल्म किसना उनके साथ की, नो एंट्री की, गॉड तू सी ग्रेट हो की, फैमिली की, वक्त, और एक हॉलीवुड की फिल्म मैरिडियन जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, 7 फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम कैमरा मत करो, तुम फिल्म बनाओ। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया
कि मैंने इतनी तैयारी की है, 7 फिल्मों में इतना लंबा समय दिया है, अब समय है कि मैं फिल्म का पार्ट होकर के प्रोफेशनल लाइफ में लगूं और पैसे कमाऊं, अपना जीवन जीऊं। संघर्ष, मतलब एक संघर्ष था जो मैंने पार कर लिया था, लेकिन उस बात को मैंने गंभीरता पूर्वक लिया, उन्होंने क्यों कहा ऐसा क्या है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं फिल्म कहानी कह सकता हूं क्या, कहानी मेरे पास है क्या। तो मैंने अपने जीवन में उठा करके देखना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि कहानियां मेरे पास तो हैं और अनकही कहानियां हैं। तो मैंने तय किया कि चलो लिखता हूं। लिखना शुरू किया तो धड़धड़ा के 8 कहानियां मैंने लिखी। फिर उसके बाद जब कहानियां लिख ली, फिर लगा कि अच्छा बीच का एक मीडियम है एडिटिंग। तो फिर नवाज को लेकर के, नवाज को एक कहानी मैंने सुनाई, ओपी स्टॉप एस विली योर सॉक्स, और फिल्म, उसने उसको आइडिया बहुत पसंद आया। नवाज ने बोला कि करते हैं इसको, तो उसको किया करके फिल्म ऑनलाइन लोगों के बीच छोड़ा। तो मैंने देखा कि लोग फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बार अनुराग कश्यप और इस तरह के सर्कल में फिल्म उन्होंने शेयर किया, मुझे नहीं जानते थे, तो लोग मुझे जानते नहीं थे, तो अपने जीवन में लगा हुआ था। लेकिन जब उस जगह पे फिल्म मेरी मूव करने शुरू हुई तो मतलब लगा कि हाँ, मतलब फिल्म ज्यादा दूर तक गई। फिल्म को लेकर के तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था कि फिल्म मेरी बहुत अच्छी है, सोच बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। तो फिर बाद में मतलब और आगे बढ़ते हुए एक दूसरी फिल्म की, द लॉस्ट बहरूपिया की, उसको बाद में नेशनल अवार्ड मिला। फिर बाद में गंगा यात्रा के दौरान एक फिल्म की, स्वरा, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में आकाश खुराना की फिल्म है वो। फिर उसके बाद 2014 में स्प्रिंग थंडर पे काम शुरू किया। और काम शुरू किया तो मतलब वो फिल्म जिसपे मैं काम करना चाहता था। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसपे लोग पूरी तैयारी करके आखिरी में काम करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ही उस पर कूदा। फिल्म का बहुत बड़ा बजट था तो अपन उठे और जा करके गांव पहुंच गए, और गांव पहुंच करके वहीं पे एक टीम तैयार की और 40-45 लोगों की टीम लेकर के काम करना शुरू किया। काम करने वाले लोग मतलब खेत में हल चलाने वाले लोग, साइकिल रिपेयर करने वाले लोग, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, हाँ, इस तरह के लोगों को लेकर के इकट्ठा करके और फिर काम करना शुरू किया। इतना समझ में आ रहा था पैसे हमारे पास नहीं है तो हमने समय दिया, हमने साल बिताया उसमें। और जब साल बिताया तो जाकर के जल जंगल जमीन विषय को थोड़ा समझना शुरू किया। हाँ, फिर उसके बाद एक के बाद 2-3-4-5 साल दिए और फिर ये फिल्म कंप्लीट की है। तो इस दौरान, इस विषय के दौरान, जल जंगल जमीन विषय को और कैसे मजबूत किया जा सके, मैंने तो फिल्म बनाई, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अगर गांव देहात के लोग जिनकी समस्याएं हैं, जो डायरेक्ट जूझ रहे हैं, अगर उनके हाथ में ये मीडियम दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाएंगे। इसलिए 2015 में गाँव में, जंगल में लोगों के बीच एक बात रखा कि भाई एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए क्या। हाँ, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तो लोगों की सहमति बनी। तो झारखंड के नेतरहाट में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका कोई क्लासरूम नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा जंगल हमारा फिल्म इंस्टीट्यूट है, गांव देहात का घर हमारे, हाँ, संसाधन है, हाँ, जो भी वहाँ पे सरकारी कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संसाधन हैं। और फिर हम एक के बाद एक 22 फिल्में हम लोगों ने जल जंगल जमीन विषय पे बनाया। 2016 में पानी विषय पे, जब देश में पानी की भयंकर किल्लत थी, हाँ, मराठावाड़ा में टैंकर पे धारा 144 लगी हुई थी, लातूर में ट्रेन से पानी भेजा जा रहा था, बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, उस भीषण गर्मी में हम लोगों ने पानी विषय पे, मैं मुंबई से मैंने आह्वान किया कि लोग झारखंड के जंगलों में पहुंचे, और लोग आए और लोगों ने 13 फिल्में बनाई पानी विषय पे। इसको जागरण फेस्टिवल ने और भी कई जगहों पे लोगों ने सराहा और
पानी विषय पे खूब चर्चा शुरू हुआ और ये तभी ये बात था कि मतलब देश के प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे राज्य में मुख्यमंत्री सभी लोग पानी विषय पे ढेर सारे इन लोगों ने काम करने का बीड़ा उठाया और किया भी, बहुत सारे काम किए इन लोगों ने, बहुत सारे डोभा खुदवाया। कितना सफल है नहीं असफल है वो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन एक कोशिशें शुरू हुई। फिर उसके बाद जंगल विषय पे 2017 में जंगल विषय पे हम लोगों ने घनघोर बारिश में हम लोगों ने ये छेड़ा, हाँ, और साफ साफ ये क्लियर किया है कि बारिश जैसे ही होगी कोई छुपेगा नहीं, बारिश में लोग बाहर निकलेंगे। और 7 फिल्में बनाई गई जिसमें एक फुल लेंथ फिल्म भी है। उन सारी फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और ये 2018 में हम जमीन अपने कदमों से नापते हुए इस देश में स्थितियों को समझते हुए, भौगोलिक स्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को, पर्यावरण के लिहाज से, इन सब चीज़ों से समझते हुए एक फिल्म बनाते हुए, फिल्म का नाम है मेघालित, करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, चलते चलते देश के युवाओं के लिए, समाज के उन जिम्मेदार सारे लोगों के लिए जिन्हें काम करना चाहिए, क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि प्रकृति ने अगर हमको जीवन दिया है तो जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव है, और इस जीवन जीने के क्रम में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उत्सव होना चाहिए। और ये उत्सव में समाज का हर वर्ग, सभी जीव जंतु अगर इक्वली इंजॉय कर सकें, जीवन जीने के कला को बहुत बेहतर ढंग से एक्सचेंज कर सकें, हाँ, सभी लोग खुश होंगे तब तो हमारी खुशियों में लोग शामिल होंगे। आप खुश नहीं हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सब कुछ है, सारे संसाधन है, उससे आपको क्या? बिल्कुल, हाँ, तो हमको संतुलन देखना होगा, पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन में संतुलन इसलिए देखना होगा क्योंकि हम मानव जाति की बात कर रहे हैं। मानव जाति खुश तब होगा जब सब कुछ होगा। अभी तो हम किसको बचा के रखे हैं? हम अपने लालच के लिए सिर्फ गाय, बैल और कुत्ता। समाज के इर्द गिर्द जो चीज दिखता है ये दो ही जीव है ना, बाकी सारे जीव जंतुओं को हम मार दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हमको संतुलन चाहिए, सबके लिए हमको स्थान बनाना होगा और सब मिलजुल करके इस समय का बेहतर सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें, नहीं तो जो पीछे रह जाएगा वो फिर जब समझ में आएगा कि अच्छा ये तो धोखा हुआ है तो फिर वो तो फिर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। इतिहास गवाह है भाई, इतिहास गवाह है कितनी सभ्यता आई और गई, गई कैसे ये नहीं पता चलता, गई कैसे ये नहीं पता चलता, कैसे कैसे डेवलप हुआ होगा इसका अवशेष हमको मिलता है, लेकिन ध्वस्त कैसे हुआ इसका अवशेष नहीं मिलता। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। नेचर तो वार्न कर रहा है, लगातार वार्न कर रहा है, अगर मतलब नेचर का वार्निंग हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अचानक रिएक्ट करेगा। तो ये थे फिल्म निर्देशक श्रीराम डॉल्टन, जिन्होंने अपने मिशन को लेकर एक अलख जगाने का काम किया है। और निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से जल, जंगल और जमीन को लेकर एक ध्येय लेकर वे देश में निकले हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बहरहाल द टैलेंट इंडिया टॉक शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।